नेपाल टेलीकॉम सिम कार्ड, एनटीसी सिम कार्ड और नमस्ते सिम कार्ड भी बोलता है, ठीक है। अगर आप लोग कतर में लेके आया एक्टिवेट कर नहीं पा रहा है तो आज के इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, देखने के बाद आप लोग 100% एनटीसी जो नमस्ते सिम कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं, और मैंने भी एक्टिवेट करा के यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। कंप्लीट देखेगा ना आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे एक्टिवेट करने का। अगर नेपाल से भी आप लोग गलती से और मिस्टेक से इंटरनेशनल को एक्टिवेट करा के लेके नहीं आया तो मैं पूरा बताऊंगा, कतर में बैठे बैठे आप लोग एनटीसी सिम कार्ड को एक्टिवेट करा सकते हैं, नेपाल सिम कार्ड को, ठीक है, पूरा करा सकता है, और मैंने भी खुद कराया। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन का बेल भी ऑल ऑन करके रखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले तो मैं मोबाइल ले लेता हूँ और मोबाइल से मैं दिखाता आप लोगों को। और मैं इस वक्त दुबई में हूँ, यूएई में हूँ, और एनटीसी सिम कार्ड मैंने खुद एक्टिवेट कराया है, नमस्ते सिम कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है, देख पा रहा है आप लोग। और सबसे पहले तो नेपाल से आने के टाइम और आने से पहले, ठीक है, अगर गलती से भी आ गया आप लोग कतार में, कोई दिक्कत नहीं, मैं एंड तक देखिएगा, पूरा मैं बताऊंगा आज के स्टेप बाय स्टेप वीडियो बताऊंगा कैसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। देख पा रहा है, और यहाँ पर *14*15*7#, और इसमें डायल करना है आपको, ठीक है। जैसे डायल कर देंगे, और आपको इंटरनेशनल एक्टिवेट करना है क्योंकि बाहर देश जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया एंड चाइना आ रहा है कॉल इंटरनेशनल में, ठीक है। अगर आप इंडिया जाना चाहता है, चाइना कॉल करना चाहता है तो एक नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नेपाल से कतर जाना चाहता हूँ, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, दूसरा कंट्री, तो हमको दो नंबर सिलेक्ट करना है और सेंड पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है रोमिंग एक्टिवेशन, दो नंबर में रोमिंग डीएक्टिवेशन, और तीन नंबर में इंडिया डाटा रोमिंग, तो हमको एक नंबर में सिलेक्ट करने का रोमिंग एक्टिवेशन। जैसे भी सेंड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, सॉरी यूर रिक्वेस्ट सबमिट, प्लीज ट्राई अगेन लेट। मैंने एक्चुअली क्या है, मैं पहले से एक्टिवेट करके रखा जो ये सिम कार्ड मेरा ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्टिवेट करके रखा। अगर आप लोग इस नंबर पर डायल करेंगे ना तो आपको सक्सेसफुली इंटरनेशनल एक्टिविट यहाँ पर लिखा आएगा, ठीक है। तो पहला नंबर तो ये करना है आप लोगों को, जैसे कि *14*15*7# डायल करके जैसा करेंगे सक्सेसफुल ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मैं और एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। और जैसे कि ये नेपाल से आने के टाइम में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये काम करने का पहला स्टेप है। और फिर भी आप लोग कतर में लेके आ गया प्रीपेड सिम कार्ड को और आप लोग एक्टिवेट कर नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले आपका अपना सिम कार्ड जो है नमस्ते सिम कार्ड को उसका वैलिडिटी चेक करना है कि क्या वैलिडिटी खत्म है। खत्म होगा तो आप लोग एक्टिवेट कर नहीं सकते। और जैसे *400 डायल करेंगे यहाँ पर पूरा दिखाएगा आपको वैलिडिटी कब तक है। ये मेरा 25 तक है, 25 अगस्त तक है। इससे पहले अगर आप लोगों का वैलिडिटी नहीं है तो आप लोग एक्टिवेट नहीं करा सकते। अगर वैलिडिटी खत्म हो रहा है तो आप लोग किधर से भी, नेपाल से भी बोल दीजिए किसी को भी, अगर लेके आ गया तो पैक पे टॉप अप डाल देने का, रिचार्ज डालने देने का, तो आपका वैलिडिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले वैलिडिटी चेक करना है, ठीक है। अगर फिर भी तो बहुत सारा लोग पूछेगा, भाई हमारा सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं है तो हम कैसे वैलिडिटी चेक करेगा। तो आपको पता होगा ना, आप नेपाल से आने के टाइम कितना रिचार्ज कराया, कब तक है वैलिडिटी, ठीक है। तो ये काम पहले करना है, ठीक है। वैलिडिटी अगर वैलिडिटी है तो आप लोग एक्टिविट कतर से बैठे बैठे करा सकते हैं, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा स्टेप में मैं क्या बताऊँ, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया, जाके देख सकते हैं, ठीक है। और एक आपको क्या करने का, एक प्रीपेड जो सिम कार्ड है उसका एक फॉर्म है, ठीक है, ये मैं क्लिक करता हूँ, ये फॉर्म दिखाता आप लोगों को। ये फॉर्म आपको फिल करना, मतलब लिखना है इस फॉर्म को फिल करके, और नीचे से जो ईमेल आईडी आ रहा है देख पा रहा है आप लोग, इस ईमेल में सेंड करना है। कैसा करने का, ये जो ये फॉर्म है देख पा रहा है, नेपाल टेलीकॉम जो प्रीपेड रोमिंग एक्टिवेशन फॉर्म बोलता है इसको, ठीक है। तो क्या करने का, सॉरी, तो देख पा रहा है
फुल नेम जिस सिम कार्ड आपने लेके आया, जिस जो सिम कार्ड नमस्ते सिम कार्ड लेके आया, जिसका मतलब जिसका नाम पर है उसी नाम आपको यहाँ पर डालना है। देखिए ये फॉर्म को पूरा फिल करने का, फुल नेम, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने एक्टिवेट आप एक्टिवेट करना चाहते हो वही मोबाइल नंबर उसमें डालने का, एड्रेस इन नेपाल, जो सिम कार्ड, देखिए जो सिम कार्ड देने के टाइम जो डॉक्यूमेंट दिया वही हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। आपका एड्रेस, सिटीजनशिप नंबर, जो आपका सिटीजनशिप नंबर होता है यहाँ पर डालने का, इशू फ्रॉम नेपाल यहाँ पर डालने का, इसके बाद पासपोर्ट नंबर, कंट्री एंड विजिटिंग, जो आप कतार में आया तो कतार डालने का, ठीक है। डालने के बाद ये सब फिल करने के बाद नीचे आपका साइन डेट डाल के जो देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये पूरा सही से भरने का, जो डॉक्यूमेंट दिया आपने नेपाल जो नमस्ते सिम कार्ड एक्टिवेट करने के टाइम, ठीक है, आपका नाम पर भी हो सकता है, आपका पापा के नाम पर नाम पर भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम पर भी है तो आप उसी नाम, मतलब उसी नाम पे आप लोग को फिलअप करना है, ठीक है, फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करके आपको जिस ईमेल आईडी मैंने दिया शो करा है इस ईमेल आईडी में सेंड करना है। सेंड करने के बाद जैसे कि मैंने ऐसा किया, सेंड करने के बाद आपको तुरंत ही और एक ईमेल आ जाएगा, आपको सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट का जो जेरोक्स है आपको ईमेल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप ईमेल कर देंगे तुरंत ही, और 48 आवर्स के अंदर, मतलब तुरंत नहीं आता है, 48 आवर्स का टाइम लगता है, कभी 12 आवर्स का भी टाइम लगता है, और ईमेल आ जाएगा कि आपको कैसे एक्टिवेट करने का सिम कार्ड का, ठीक है, सिम कार्ड कैसे एक्टिवेट करने का आपको बता देगा, ठीक है। जैसे कि बाद में आप क्या करेंगे, ये जो आपने ईमेल कर देंगे, ईमेल करने के बाद में आपको सिम मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करने का, बार रिस्टार्ट रिस्टार्ट भी कर लेने का, क्योंकि आप नेपाल से कतार में आए, इधर का लोकेशन अलग है, नेपाल का लोकेशन अलग है, ठीक है। और रिस्टार्ट करने के बाद जिस क्या करने का, उसके बाद सेटिंग ऑप्शन पर जाने का, ठीक है, ये तो मैं सब कुछ बता दिया आप लोगों को, जैसा स्टेप बाय स्टेप ऐसा करने का, आप लोगों को सेटिंग पर जाके आपको बाद में क्या करने का, जैसे ईमेल आने के बाद आप लोगों को करना है, ठीक है, उसके बाद सिम कार्ड को लगा के नेटवर्क रजिस्टर करना पड़ेगा आपको कतार में, ऑरेडू से रजिस्टर करने का कनेक्शन ब्लूटूथ, जैसे कि मैं सैमसंग मोबाइल से दिखा रहा हूँ, मोबाइल नेटवर्क पर जाने का, और पिछला वीडियो में मैंने ये सेटिंग नहीं बताया, तो आपको आप लोगों को ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा करेगा तो भी नेटवर्क रजिस्टर होगा, नहीं तो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, आप को खुद रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे नेटवर्क ऑपरेटर में मैं जाता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद यहाँ पर सामने दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पर सामने दिखाएगा ऑरेडो, ठीक है, कतार में ऑरेडो दिखाएगा, ऑरेडो से आपके जैसे क्लिक कर देंगे और नेटवर्क रजिस्टर हो जाएगा ईमेल आने के बाद, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के आपको ईमेल आएगा, जैसे कि मैंने फॉर्म दिखाया आपको, इस फॉर्म को फिल करके, और साथ में अगर सिटीजनशिप और पासपोर्ट का जो जेरोक्स है आप स्कैन करके भी साथ में भेज देगा, सेंड कर देगा ईमेल आईडी पर, और वो काम हो जाएगा, ठीक है, आपको अगर दोबारा भेजना नहीं पड़ेगा। ईमेल आने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के कि आप ऐसे ऐसा सेटिंग करो एंड्रॉयड फ़ोन में, तो आप लोग एक्टिवेट कर सकते, ठीक है। तो देख पा रहा ये यहाँ पर सामने एतिसलात एंड दू आया, मैं इस वक्त यूएई में एतिसलात दू दोनों काम करता है, ये जो नमस्ते सिम कार्ड दोनों नेटवर्क से मैं रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि मैं एतिसलात से कर दूंगा रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क, सेम ऐसा लिखा आना चाहिए कतार में भी, सेम जैसे कि आप ईमेल कर देंगे, ईमेल आने के बाद तो आप ऐसा रजिस्टर कर देंगे तुरंत ही, ऐसा मतलब एक्टिवेट हो जाएगा इंटरनेशनल रोमिंग, ऊपर देख पा रहे आप लोग आर करके आ रहा है, मतलब इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट हो चुका है मेरा, और मैं पहले ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका हूँ, और यहाँ पर नेटवर्क तो आपको 100% रजिस्टर करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ, देख पा रहा है रजिस्ट्रेशन नेटवर्क, तो देख लिया आप लोग ने जो मैंने कैसा आप लोगों को प्रोसेस बताया, ऐसा करेगा तो आप लोग कतार में 100% नेपाल जो नमस्ते सिम कार्ड आप लोग एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते हैं। ये देख पा रहा है आप लोग जो यहाँ पर नेपाल का जो सिम कार्ड जो टोल किट यहाँ पर देख पा रहा है, तो ऐसा ही आप लोग जो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो बताया ऐसा आप लोगों को करना है, ठीक है। पहला नंबर तो आपको डायल करना है,
डायल करके एक्टिवेट कर लेने का नेपाल से आने के टाइम, फिर भी आप लोग कर नहीं पाया, मिस्टेक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपना वैलिडिटी चेक करना है, आप लोगों को याद होगा वैलिडिटी कब तक है, अगर कम है तो तुरंत ही रिचार्ज कर दीजिए। रिचार्ज करने के बाद जो एक फॉर्म का लिंक दिया, प्रीपेड जो इंटरनेशनल नमस्ते सिम कार्ड का जो फॉर्म है, इसको निकाल के आपको कोई भी कभी किधर भी साइबर कैफे में जाके आपको जेरोक्स निकाल के इसको फिल करके पूरा अपना अपना नाम से और सिटीजनशिप, आपका जो पासपोर्ट नंबर डाल के आपको इस ईमेल आईडी पर ईमेल करने का, साथ में सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट जेरोक्स मतलब स्कैन करके आप लोग ये सब तीनों चीज़ ईमेल कर देने का। इसके बाद 48 आवर्स के बाद आपके ईमेल आ जाएगा, वो आपको कैसा एक्टिवेट करने के लिए वो बताएगा पूरा के ईमेल में, ठीक है। बाद में आप लोग मोबाइल का स्विच ऑफ करके और बार रिस्टार्ट करके, उसके बाद आप जैसे कि मैंने नेटवर्क नेटवर्क ऑप्शन में जाके जैसे कि आप नेटवर्क सर्च करेंगे, वहाँ पर ऑरेडो दिखाएगा, ऑरेडो से जैसे कनेक्ट कर देंगे और रजिस्ट्रेशन ऑन नेटवर्क ऐसा आ जाएगा, तुरंत ही रजिस्टर हो जाएगा और मैसेज आ जाएगा वेलकम टू कतर। बाद में आप लोगों को बोलेगा इंटरनेशनल पैक डालो, बाद में मैसेज आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप अपना बैंक से ओटीपी मिलेगा, चाहे आप लोग कुछ भी करो, हर एक चीज़ आपको मिलते रहेगा। उसके बाद आप इंटरनेशनल पैक भरा के भी नेपाल में बात कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, और चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन का बेल भी ऑल ऑन करके रखिए, ठीक है। तो बस इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।